नहीं कि कनिया भरतपुर से भाई उठावे ले। कहाँ बा भाई? पंकज पर कहाँ बा? बोला नहीं कि कनिया भरतपुर से उठाई है ना भाई, केने बारे बबलू भैया, हमारे भाई तो बड़ा ना तू हम पंकज भैया के फोन लगा मेले बाड़ो पर फोन नहीं क्यों उठावत। दोबारा ट्राई करो। हाँ बबलू, बहन के उठावा आवा। अरे देखा, पहला पतो बैठल बिया, लेकिन ये दूसरी पतो भी है ना, इनके बहुत जल्दी बा। अपने औरत के उठाओ तर ये ऊपर आया के ना, हम आपन उगर औरत है चाची। बबलू दीदी को उठाओ। ये सभी नागिन के अभिमंत्रित धागा के खेला एकरा के केशव जी के पास से उतारे के पड़ी। कहाँ हो रहा बबलू के? अरे पंकज भैया, हम आगे नहीं दीदी। यहाँ ऐसा कैसे हो सकता? अगर वो वहां बा तो ही के है कोनो जादू या माया। बहन मधुसरानी के पूजा करत हो गए और भाई कैसे ना है? बस आवे में थोड़ा सा देरी हो गए, देरी खातिर हम माफी मांगते हैं। हमें लोग कब से फोन ट्राई करत बानी, फोन ही नहीं क्यों उठावत? बबलू बहन के उठावा चलो। ये बबलुआ के कहाँ हो गए बा, चरखी जैसन घूम रहा बा।
बबलू का कर तारा बदमाशी मत कर चला उठावा बहन के बबलू अरे हमेशा का करत रहला तू बदमाशी सुझाता माफ कर बबलू इनागिन तोहार मासूमियत के फायदा उठा रहल बा एकर जवाब एकरे भाषा में देवे के पड़ी संभाल के बाबू गिर जाए चोट उठ लग जाए भाई के प्रसाद देवल जाला सोना के गिनी असर भी ना अब अपना अपना औकात की बात पर अम्मा जी बबलू हमार भाई हूँ और हम उनकर बहन तो भाई खाती बहन इतना तो कर ही सकती है ना क्या बात है बहुत बढ़िया लागत बा बहुत बड़ा घर के बा हमारा अपन जिसे हमार भाई हमारा अपना अब तू लोग जा जाके आराम कर जी अम्मा जी बड़की कन्या सब सुहागन लोग के खाना उना क्या हुआ खीर पूरी ये सब और ओकरा बाद में मेहंदी के रस्म करवाई है जा तू लोग हेमकांत के कोनो फोन उन आई ला कुछ पता चलल वो पटना पहुंचलस कि ना कि पटना से चललस कि ना ना अम्मा हेमकांत के अभी तक खबर ना आई बड़ा चिंता होता हमरा अरे तो तुम्हें थोड़ा सा कर ला ना फोन बाबू गईल बा बड़ा त्योहार के समय बा मन घबराता छुटकी कनिया उनको कोनो पता नहीं है चलत जी अम्मा हेमकांत छुटकी कनिया ना इली साथे तोरा हो
पता ना वर्षा कमाई कहाँ चल गई भाई। पटना गई वो जो उनको कोनो खोज खबर ना, उनकी नैहर में सब ताला मार के कहीं तीर्थ पर गए ना। ठीक से पता लगी ला तू? लगा होता ही पता कुछ समझे में ना होता। पहली बार ऐसा कहले भाई। बड़ा चिंता की बात बहू। फिर से पता लगाओ तू, आखिर गईली कहा? यहाँ पूजा हो गई? हाँ हेमकंद पूजा हो गई। सामान मां रख दल उठा के पता तो करे की चाहे गईला की कहाँ बड़ी। अब अपनी स्तर पर तो पता लगोते ही कहाँ है। अब जहाँ जाकर वहाँ पता लगा लिया। फोन पर ट्राई करो थे देखे कहा हो तो बकाने के। ये परिवार पर हमेशा कोनो न कोनो समस्या होते रहते थे। समझ में नहीं आओ कि का कही जाओ। ठीक है कोनो इतना घबरेला की बात ना, कहीं ना कहीं तो अब करी पता लगे जाए। हे भोले बाबा, अभी परिवार पर जो समस्या आई बा ओकरे से रहुए निवारण दी। हे भोलेनाथ। नियाला, अरे वाह बबलू, मोहिनी दीदी तो बहुत बड़ घर के लागत बानी। बहुत बढ़िया बा ना? हाँ बहुत। माई देखिए तो बहुत खुश हो जाइए। ये माई भी ना बहुत गजब बाड़ी। यहाँ घर में मधुश्रावणी की इतना बड़ा पर्व हो रहा बा और माई खुद जाके नाना जी के यहाँ बैठ गई नी। वर्षा, ए वर्षा। हाँ अम्मा। तू यहाँ रुका, हम आवत आनी। बबलू, उठी तू वर्षा दीदी के का बताओ रहला कि माई कहाँ गई भाड़ी? अरे जौन पूछो थी बताई बा। नाना जी के तबियत खराब रहे, वही से नाना जी के घरे चल गई ली। हाय दे हमके पहले जौन पूछो थी बतावा। पहले हमार सिक्का दे। बेटा बताई बा तो ये गुना दू गो सिक्का दे। पहले ये बतावा कि का भइल रहे वो दिने? नाना जी की तबियत खराब रहल, यही से माई नाना जी के घरे चल गई। भइल का रे बता पहले का भइल है? बर्ता दीदी और हम मोहिनी दीदी लूडो खेलत रहली और फिर बबलू तू जी क्या पड़ा? हम तरह की कहाँ कहाँ ना ढूंढ, ऐसे बिना प्रसाद ले लेके आवेला पूजा से। चल चलो प्रसाद तारा के दे। गुलटूस कहाँ आऊ समझ में आवत ना हमारी तो। सब जगह पता लगाओ थी ना, फोन लगा था ना, नेटवर्क में हो, कहाँ हो कुछ समझ में नहीं खेला। वर्षा के पापा, वर्षा के पापा, हम ये घर में पानी, ये घर में पानी, ये घर में पानी। तो गुलटूस का आवाज लगा थी यार? हम लोग गुलटूस ही आए, गुलटूस ही आए, गुलटूस ही आए। गुलटूस, गुलटूस, गुलटूस का आवाज लगा थी यार? कहाँ गुलटूस तू? गुलटूस समझे में नौत में कहाँ भरू तू? जब से गई बड़ी गुलटूस तब से अजीब हाल हो गई। अब आवाज भी सुनाया लगा, लगा तो भ्रम रहे हमारे। जब बाढ़ भैया अचानक ही प्रकट हो गई, हम तो एकदम ही डरा गए। अगर आज तू ना रहत तो का होत? और यहाँ वो औरत एक नंबर के नटंकी बाज। हैसन तिगड़म बाज औरत हम अपना पूरा जिंदगी में कबो ना देखी। अच्छा दीदी, हम जाते हैं खीर बनावे, सुहागन लोग के देवे के बाना। हाँ जा। पूजा,
पंकज खाते पानी लिया हुआ। हाँ जी, और सुना दरवाजा बंद कर दिए। अब तो अपने असली रूप में आ जाइए। तोरा नजर से क्यों नहीं के बच सकत मीनाक्षी, तू आखिर पहचान ही ले। अगर रउआ लगे शक्ति बा तो हमरो लगे बा। चली जल्दी से अपना असली रूप में आई। धन्यवाद पूजा, आपन बहिन के इज्जत बचावे खातिर। मतलब पता ना आज का होत। ये कहत रहलन कि मीनाक्षी मधुश्रावणी व्रत करत बा और व्रत में भाई के रहल बहुत जरूरी बा और हम दृश्य अदृश्य सिद्धि प्राप्त करत रहली तो आज सवेरे तो लौट लिया। पता चलल पंकज गायब पारन, पंकज के जगह पे भुजा चल गेलन। मीनाक्षी तोहरा के ना लागत बा कि खेल दिन ब दिन और खतरनाक हो जात बा। नागिन अपना दिव्य दृष्टि से हमनी के देखत रहे, वो तो बाबा के अंगूठी रहे जो हमरा के बचा ले, ना तो आज हंगामा हो जात रहे। हाँ, लेकिन मुक्ति पाए के एगो इहे रास्ता बा। सावन अतिरिक्त बा और मधुश्रावणी, ऊपर से आज सोमवार ही, अगर सब कुछ सफल हो जाए ना तो हमार मुक्ति के द्वार खुल जाए। बाबा काले राले, बाबा काले राले, ना कोनो भूल, ना कोनो भूल, ना कोनो कमी, ना कोनो कमी। तू सही कह रहा बन, तू सही करे के कोशिश करबू, लेकिन नागिन तोके अच्छा ना करे दी। कोनो बात ना पूछा, हमू खाली मीनाक्षी ना है, हमें को सुहागी नहीं। नागिन है तो हम नेवला, ओकरा के हम अपने आप से कबो ना जीता थे। उस सात जन्म में भी केशव जी के ना पा पाई है, बस एक बार वो केशव जी के कलाई से अभिमंत्रित धागा निकल जाए, केशव जी पूरा चुंगुल से मुक्त हो जाए, फिर था मकरा के देख ले। अच्छा मीनाक्षी, चिंता करे के जरूरत नहीं की। हाँ मासू झा, दोनों जना तो ना साथ में, अब बाबा के आशीर्वाद हो तो हरा साथ बा। गौरी महादेव के भी हमरा साथ देवे के पड़ी। दीदी पानी ठंडा चाहिए कि गरम? हाँ सादा पानी ले ले आवा। ड्रोवा दोनों चाहिए। हाँ ठीक बा, ठीक बा। दीदी यहाँ केहू और के भी आवाज आवत रहे। तू भुला गेली पूजा दीदी लगन आके? अरे तोरा पता नहीं क्या, तोर भाई के दूधू को सुर में आवाज सुनाई दे रहा। मोहिनी नागिन के चंगुल से केशव जी के बचावे के पड़ी, तो नागिन के ओकर असली जगह दिखावे के पड़ी।